आत्मा मालिक, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येण चराचरम तत्पदम दर्शितम येण तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप समर्थ सद्गुरु आत्मा मालिक भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए मैं मेरे अनंत 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 भाव सुमन समर्पित करता हूँ। आत्मा मालिक चैत्र महोत्सव का यह प्रारंभ है और इसी प्रारंभ में सद्गुरुदेव के असीम कृपा प्रसाद के साथ मैं आप सभी को नववर्ष की और चैत्र महोत्सव की अनंत 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 शुभकामनाएं यहाँ देता हूँ। चैत्र मास हिंदू वर्ष के नियम के अनुसार यह पहला मास और इस पहले मास की आज की यह पहली पूर्णिमा अर्थात चैत्र पूर्णिमा है। एक नवीन नूतन शुरुआत का आज का यह पर्व जो विश्वात्मक परिवार में और विश्वात्मक कार्य में बड़ा ही महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से सद्गुरुदेव के श्रीचरणों में समर्पित समस्त संत एवं साधकों के लिए आज का दिवस आज की तिथि एक अनन्य साधारण महत्वपूर्ण है। इसी दिन विश्वात्मक गुरुदेव विशाल शक्ति ने अपने विहित कार्य में आत्मस्वरूप का प्रगटीकरण किया था और इसी स्वरूप को हमारे सभी के लिए अर्थात ध्यान साधना करने के लिए सुपुर्द किया था। बार बार महापुरुष इस धाराधाम पर आए, आज भी हाजिर हैं और आगे भी आएंगे। इनका आना इनका अवतरण समस्त मानव जाति को तारने के लिए होता है। जो तराने के लिए आते हैं उनको ही अवतारी कहा जाता है। आत्मदर्शन के माध्यम से जीवन आत्मरूप बनाते हुए आत्मिक उत्थान के लिए यह अवतरित सद्गुरुदेव भगवान एक महाअवतारी सिद्ध सत्पुरुष हैं और उनके सानिध्य में चैत्र महोत्सव मनाने का यह अवसर परमात्मा ने हमें प्रदान किया है। कोरोना नामक महामारी के दौरान ऐसे दिव्य सत्पुरुष के सानिध्य में इस अद्भुत महान पर्व को मनाने की यह उपलब्धि आप सभी के और हमारे भी जीवन की सबसे बड़ी आज के काल में वर्तमान युग में वर्तमान क्षण में आज की एक अद्भुत और महत्वपूर्ण यह पर्वणी सद्गुरुदेव ने यहाँ विश्वात्मक गुरुदेव ने यहाँ अर्थात आत्मस्वरूप ने यहाँ हमें अर्पित की है। आज से सैकड़ों साल पहले भी इसी विश्वात्मक देव ने अवतरण किया था जो संदेश देने के लिए आज का भी उत्सव आज का भी महोत्सव मनाया जा रहा है। उसी संदेश को पुनः एक बार उजागर करने के लिए महाअवतारी का दर्शन और उस दर्शन का प्रसाद एक ही है कि साधक के जीवन में आत्मदर्शन की इच्छा प्रकट होना। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थोचि कर्म ही। उस जीव को जिसको सिद्ध महापुरुष के दर्शन होते हैं, महाअवतारी का सानिध्य मिलता है, गुरु स्थान पर ऐसे आत्मदर्शी आत्मवेत्ता महाअवतारी सिद्ध सत्पुरुष मिलते हैं तो उनके दर्शन का एक ही प्रसाद है जिसको कृपा प्रसाद कहलाया जाता है और वह है कि साधक के भीतर अपने स्वरूप के दर्शन की इच्छा प्रकट हो। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, उसे उस तत्व के प्रति जिज्ञासा प्रकट हो। वह तत्व अर्थात वह परम तत्व वह आत्म तत्व जिसके आधार पर जीवन जीवित है, जिंदा रहने का कारण है अर्थात जीवन का जो मूल आधार है उस मूल आत्म तत्व को जानने की उसका दर्शन करने की उसका अनुभव करने की इच्छा प्रकट होना जिज्ञासा प्रकट होना यही महाअवतारी का कृपा प्रसाद है। और इसीलिए ऐसे दिव्य महापुरुष जिनका आगमन इस धाराधाम पर हुआ था, अजान बाहु सदगुरु जंगली महाराज जी ने अपने समाधि के पूर्व जो संदेश इस भूमि में समस्त विश्वात्मक परिवार को उनके अनुयायी भक्तों को दिया वो उस आत्मस्वरूप के माध्यम से दिया था।
इस तस्वीर को प्रकट करते हुए उन्होंने आत्मा का संदेश दिया। उसी संदेश को पुनः हमारे आत्मिक उत्थान के लिए आज हमारे बीच यहाँ उपस्थित इस भूमि पर अवतरित और आत्मा मालिक ध्यानपीठ कोकणधाम ऐसे पावन तीर्थ तट पर यह हाजिर वजीर परम पूजनीय सद्गुरुदेव भगवान और उनकी सन्निधि में आज का यह आत्मोत्सव अर्थात आत्मस्वरूप के पूजन का यह उत्सव, चिंतन का यह उत्सव अर्थात चैत्र महोत्सव है। ऐसे दिव्य सत्पुरुष के सानिध्य में जब जब ध्यान साधना करते हैं तो आत्मशक्ति का अर्जन होता है। ऐसे दिव्य सज्जन को अगर जब हम गुरुचरणों गुरु स्थान पर पाते हैं और उस स्थान पर आकर जब हम उनका ही दीदार करते हुए ध्यान करते हैं तब जाकर उस शक्ति के साथ, उस संतोष के साथ, उस विश्वास का भी अर्जन हमारे जीवन में अर्थात साधक के जीवन में वहाँ प्राप्त होता है। आज की यह तिथि हम सभी के लिए अद्भुत और महत्वपूर्ण है। आज का यह दिवस और आज की बाहरी परिस्थिति अगर इसका अवलोकन किया जाए तो समस्त विश्व, एक देश नहीं, एक गली नहीं, समस्त विश्व कोरोना नामक महामारी से जूझ रहा है। लेकिन सद्गुरुदेव ने हमारे लिए एक राजपथ, एक शाश्वत पथ प्रदान किया है जिसका नाम है ध्यान। और ध्यान के माध्यम से इस कोरोना नामक महामारी के दौरान निर्मित परिस्थिति पर, उस विचलित व्यवस्था पर हमें स्थिर होकर, समाहित होकर संयमित जीवन जीने का आज का सद्गुरुदेव का संदेश है। आज की इस तिथि का प्रारंभ आत्मस्वरूप का दर्शन, आत्मस्वरूप के चरण पादुकाओं का पूजन करते हुए इस तिथि को हम प्रारंभित करेंगे। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि आज भी और हर रोज सद्गुरुदेव के श्री चरणों का अर्थात आत्मस्वरूप के श्री चरणों का हम सेवन करें। वह सेवन, इन श्री चरणों ने जो आचरण हमें दिया है उस आचरण को ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से हम चाहे कहाँ भी हो, किसी भी देश में हो, विदेश में हो, तो उस गुरुचरणों का सेवन हम कर सकते हैं। सद्गुरुदेव ने आज तक एक ही आचरण दिया, 131 साल पूर्व भी वही दिया था, हजारों साल पूर्व भी वही दिया था। कल जिसकी जयंती अर्थात प्रभु हनुमान जी का जो दिवस है चैत्र पूर्णिमा का, उसके माध्यम से भी वही संदेश दिया था। और आने वाले भविष्य में यह महाअवतारी सिद्ध पुरुष बारम्बार इसी संदेश को रटता रहेगा। और संदेश है ध्यान अर्थात हृदय स्थित आत्मा से प्रेम करने का अभ्यास। इसी आत्मस्वरूप के सार को अगर ग्रहण करेंगे और नकारात्मक थोता कचरा अगर जीवन से हम उजाड़ देंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन इस अद्भुत क्षणों को अनुभव करते हुए, देहत्व के भीतर देवत्व अर्थात आत्मा को समझते हुए हमारे भी जीवन पूर्णत्व की ओर जाएगा। साधक ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे और थोता देई उड़ाए। मैं आज चैत्र पूर्णिमा के इस प्रारंभ के सत्र में, आज के इस पावन भोर पर यही संदेश और यही विनती करना चाहता हूँ कि जो आत्मा एक सार है उस सार को ग्रहण करें और माध्यम या इतर जिस भी बाहरी मार्ग से हमें जो भी संदेश या जो भी पदार्थ, जो भी वस्तु, जो भी मैसेज या जो भी सन्निधि मिलती है उन सभी बाहरी नाशवान सन्निधि को, उस पदार्थों को, उस वस्तु को हम पूर्णतः विश्राम देते हुए एक आत्मा नामक सार को हम ग्रहण करें तो निश्चित रूप से जैसा सूप का स्वभाव है कि वो साफ सुथरे अनाज को अपने भीतर रखता है और कचरे को उड़ा देता है, उसी तरह एक शाश्वत आत्मा को सेवन करो, शाश्वत आत्मा के सानिध्य में ध्यान करते हुए आत्मशक्ति को ग्रहण करो और आत्मशक्ति से उल्लासित और प्रफुल्लित जीवन का आज के इस पावन पर्व पर हम प्रारंभ करें। इसी संदेश को आप सभी के समक्ष रखते हुए पुनः एक बार आत्मा मालिक चैत्र महोत्सव की शुभकामनाएं देता हूँ। आज इस प्रारंभ के अर्थात प्रथम सत्र के बाद मध्यान्ह सत्र और शाम का सत्र, तीन ही सत्रों में भजन के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से उस आत्मस्वरूप के संदेश का, इस स्वरूप को प्रकट करने का प्रयास अन्य संतों एवं कार्यकर्ता या भजन मंडली की तरफ से किया जाएगा। आज का यह दिवस आत्मस्वरूप का है
आप सभी से विनती करना चाहूँगा कि प्रातः काल में भी अपने निवास स्थान पर आत्मस्वरूप का हम पूजन करें। 3 बार आज सवेरे, मध्यान्ह और शाम में 3 बार आत्मस्वरूप की आरती करें और शाम के सत्र के पश्चात उपवास छोड़कर आज का यह शुभ अवसर, यह महान तिथि अर्थात चैत्र महोत्सव का पर्व बनाए। आत्मस्वरूप के मंदिर में अर्थात स्वर्ण मंदिर में हम अधिष्ठित हैं। प्रत्यक्ष देहधारी परमात्मा परम पूजनीय सद्गुरुदेव के स्वरूप में यह अधिष्ठित हो चुके हैं। आत्मस्वरूप अर्थात निर्गुण के समक्ष सगुण अधिष्ठित है और सगुण की स्वरूप साकार समाधि के समक्ष निर्गुण की पूजा यह रचाई जा रही है। एक अद्भुत क्षण है। सगुण और निर्गुण का दर्शन आज बहुत सालों के पश्चात इस आत्मस्वरूप के मंदिर में इस पवित्र व्यासपीठ पर हम सभी को हो रहा है। मैं करबद्ध प्रार्थना करते हुए सद्गुरुदेव के ऋणों में रहना चाहूँगा कि आज परमात्मा ने यह प्रार्थना स्वीकार की और समस्त भक्तजनों को आज का यह सगुण एवं निर्गुण दर्शन आज के इस पावन अवसर पर हम सभी को प्रदान किया। पुनः एक बार आप सभी को अनंत अनंत शुभकामनाएं देते हुए आत्मस्वरूप के चरण पादुकाओं का पूजन करेंगे। चरण पादुकाओं को अभिषेक करते हुए उसके पश्चात आरती के साथ इस सत्र का समापन करेंगे। बढ़ते हैं आत्मस्वरूप के चरण पादुकाओं की पूजन की ओर। आत्मा मालिक। ओम ब्रह्मा मन्वद सृजता तदकामयता समात्मना वन्द्येयेति आत्मनात्मन् नित्यामन्त्रयता तस्मै दशमगुं भूतः प्रत्यशृणोत् स दशहूतो भवत् दशहूतो हवैनामैषः तं वागेतं दशहूतगुं सन्तम् दशहूतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः आत्मनात्मन्नित्यामन्त्रयता तस्मै सप्तमगुं होतः प्रत्यशृणोत् स सप्तहूतो भवत् सप्तहूतो हवैनामैषः तं वा एतं सप्तहूतकं सन्तम् सप्तहूतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः आत्मनात्मन्नित्यामन्त्रयता तस्मै षष्टमगुं सूतः प्रत्यशृणोत् च षड्भूतो भवत् षड्भूतो हवैनामैषः तं वा एतं षड्भूतगुं सन्तम् षड्भूतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः आत्मनात्मन्नित्यामन्त्रयता तस्मै पञ्चमगुं होतः प्रत्यशृणोत् स पञ्चहूतो भवत् पञ्चहूतो हवैनामैषः तं वागेतं पञ्चहूतकं सन्तम् पञ्चहूतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः आत्मनात्मन्नित्यामन्त्रयता तस्मै चतुर्थगुं होतः प्रत्यशृणोत् स चतुर्होतो भवत् चतुर्होतो हवैनामैषः तं वा एतं चतुर्होतगुं सन्तम् चतुर्होतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः तमब्रवीद् त्वं वै मे नेदिष्टगुं होतः प्रत्यश्रौषी
स्वयेनानाख्याता रहिते तस्मान्नुहैनागुं चतुर्होतारमित्याचक्षते तस्माश्रुश्रूषु पुत्रा नागुं हृद्यतमः नेदिष्टो हृद्यतमहन्नेदिष्टो ब्रह्मणो भवति य एवं वेद आत्मने ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरोत्तमं नमामि।
कापूराची आरती करी तो प्रेमे सद्गुरुला भावे सद्गुरुला सचिदानंदे रूप पाहुन आनंद झाला सचिदानंदे रूप पाहुन आनंद झाला देह कदळी उकळून शुद्ध कापूर काढिला कापूर काढिला भक्ती वडी हाती घेऊन लावू ज्योतीला हो भक्ती वडी हाती घेऊन लावू ज्योतीला ज्ञान ज्योती लावूनिया ओ वाळू हरिला हरिला ओ वाळू हरिला चिन्मय रूप पाहुनि तन्मय ओ तो हरुणा हो चिन्मय रूप पाहुनि तन्मय ओ तो हरुणा कापूराची आरती करितो प्रेमे सद्गुरुला भावे सद्गुरुला सच्चिदानंदे रूप पाहुनि आनंद झाला हो सच्चिदानंदे रूप पाहुनि आनंद झाला आरती स प्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती स प्रेम जय जय आत्मा मालिक ब्रह्मांड नायक ब्रह्मांड नायक आत्मा सबका मालिक आत्मा सबका मालिक आरती स प्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती स प्रेम जय जय आत्मा मालिक तूच निर्मिले विश्व हे सारे तू सर्व आधार तूच निर्मिले विश्व हे सारे तू सर्व आधार देवी देवता संत रूपाने तू घेसे अवतार देवी देवता संत रूपाने तू घेसे अवतार असून याही एक असून याही एक तुझी रूपे अनेक तुझी रूपे अनेक आरती स प्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती स प्रेम जय जय आत्मा मालिक परम पिता तू अमुचा देवा आम्ही तुझी संतान परम पिता तू अमुचा देवा आम्ही तुझी संतान देहाचा गणगोता मानितो किती अमुचे अज्ञान देहाचा गणगोता मानितो किती अमुचे अज्ञान आ देह म्हणजे नाही मी आ देह म्हणजे नाही मी हे नवते ठाऊ कर आम्हाला नवते ठाऊ कर आरती स प्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती स प्रेम जय जय आत्मा मालिक देवांचा तू देव आत्मा असून हृदयात देवांचा तू देव आत्मा असून हृदयात घालविला वेळ वाया बाहेर शोधण्यात घालविला वेळ वाया बाहेर शोधण्यात चुकलो देवा क्षमा असावी
चुकलो देवा क्षमा असावी नमितो मस्तक चरणी नमितो मस्तक आरती स प्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती स प्रेम जय जय आत्मा मालिक निराकार तुझ हनुमंताने पाहिले राम रूपात निराकार तुझ हनुमंताने पाहिले राम रूपात कुणी पाहती बिंदु रूपात कुणी ओंकारात कुणी पाहती बिंदु रूपात कुणी ओंकारात आम्ही पाहू तुझला आम्ही पाहू तुझला हृदय आत्मरूपात हृदय आत्मरूपात आरती स प्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती स प्रेम जय जय आत्मा मालिक दया सागरा दया करी रे लोटू नको दूर दया सागरा दया करी रे लोटू नको दूर ध्यानामध्ये तुझ्या चरणी राहो मन स्थिर ध्यानामध्ये तुझ्या चरणी राहो मन स्थिर आत्मदर्शन भावे आता आसहीच एक आता आसहीच एक आरती स प्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती स प्रेम जय जय आत्मा मालिक ब्रह्मांड नायक ब्रह्मांड नायक आत्मा सबका मालिक आत्मा सबका मालिक आरती स प्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती स प्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती स प्रेम जय जय आत्मा मालिक अलिंग लोटांगण वंदीन चरण रुळान पागिन रूप तुझे प्रेमी अलिंगन आनंदी पूजन भावे वाणीन मने नमा त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव त्वमेव विद्यादृढं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव कायेन वाचा मनसिन्देन वा बुधात्मना वा प्रभुजभावयज्ञं सकलपरस्मै नारायणादि समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णनामदरं वसुदेवं सुंदरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रवरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे सदा सर्वदा योग तुझा घडावा तुझे कारणे देह माझा पडावा उपेक्षु नको गुणवंता अनंता सद्गुरु समर्था मागणे हे शियाता ज्या ज्या ठिकाणी मन जाय माझे त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे मीठे वितो मस्तक जा जा ठिकाणी तेथे सद्गुरु पाय तुझे सदोनी
सद्गुरु समर्था मी बाळतानी तुझीच सेवा करू काय जाणी अन्नाय माझे कोट्यान कोटी सद्गुरु समर्था घालावी पोटी अनंत कोटी ब्रह्मांडायक राजाविराज योगिराज परब्रह्म सच्चिदानंद श्री सद्गुरु विश्वात्मक गुरुदेव की जय। सबका मालिक आत्मा, सबका मालिक आत्मा, सबका मालिक आत्मा।